जिस पार्टी को आपने हर्ट किया, भले ही उससे आपका समझौता हो जाए, मगर आपके इस एक्ट के लिए कोर्ट आपसे समझौता नहीं करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 323, 324, 325, 326, 307 एंड 308 के बारे में। आईपीसी 323 बात करता है हर्ट के बारे में, क्योंकि मारपीट करना ये सब एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, बट यहाँ पे सजाएं जो मिलती हैं वो डिपेंड करती हैं कि कितनी चोट आई है। सिंपली थप्पड़ मारना 323 के अंडर आता है, यानी कि हर्ट के अंदर आता है। अब जहाँ पे हर्ट का केस होगा वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर अगर आप पुलिस के पास जाओगे तो वो जनरली आपकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, FIR नहीं लिखते हैं, बट अगर फिर भी आपको शिकायत करनी है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। कोर्ट में आपको वहाँ पे देना पड़ेगा अपनी तरफ से सारे प्रूफ, और उस प्रूफ को देने के बाद में कोर्ट के मजिस्ट्रेट गाइड करेंगे पुलिस ऑफिसर को कि इनकी FIR लिखी जाए। अभी वीडियो में और भी तरह के ऑफेंसेस आने वाले हैं हर्ट को लेकर के, बट सबसे पहले आपके लिए जान लेना जरूरी होगा कि क्या होता है MLC। MLC इसका मतलब होता है मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। वो आपको खुद से प्राप्त करनी होती है जनरली जब आपको चोट आई हो, उसके बाद में आपको एक डॉक्टर के पास जाना होगा, भले ही वो प्राइवेट डॉक्टर हो या फिर सरकारी डॉक्टर हो। उस डॉक्टर से आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसमें ये लिखा रहता है कि चोट का नेचर क्या है, ये ग्रीवियस है, नॉन ग्रीवियस है, ये कितना डेंजरस है। जहाँ पर ग्रीवियस हर्ट होती है या फिर जहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस आता है, उन सब जगहों पर वहाँ पर डेंजर लिखा हुआ होता है, वरना बाकी सब में हर्ट में नॉर्मल लिखा हुआ आता है। तो ये आपको डॉक्टर से रिपोर्ट ले लेनी है जिसे आप लोग एज अ एविडेंस प्रोवाइड करोगे। तो CRPC के सेक्शन 156 में आप कोर्ट के पास जा करके अपनी प्ली दे सकते हो। अब आते हैं 324, ये भी हर्ट का ही केस है। यहाँ पर भी चोट बहुत ज्यादा नहीं पहुँचाई जाती है, मगर यहाँ पे यूज हो जाता है एक चीज का जिसको कहते हैं डेंजरस वेपन या फिर कोई धारदार हथियार। तो इस जगह पर क्या होता है, वो डेंजर वेपन होता है जिस कारण से हर्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सजा बढ़ जाती है और पुलिस आपकी FIR तुरंत ही नोट कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे जो मीन्स था हर्ट करने का, जो मीन्स था वो किसी ने अपने बॉडी से हर्ट नहीं किया बल्कि किसी वेपन से हर्ट किया जो कि डेंजरस वेपन था। और फिर सारे प्रोसेस होने के बाद में अगर किसी को गिल्टी पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की सजा मिल सकती है। बट यहाँ पे जाने वाली बात यह है कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाता है और फिर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग भी हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। भले ही जिसने आप पे एजॉल्ट किया आप पर, वो बाद में दोनों जब मिल जाए और फिर बोले चलो मामले को रफा दफा करते हैं, बट यहाँ पर कोर्ट को इस मामले को रफा दफा करना होता है, वो आप दोनों की डिस्क्रिप्शन पे काम नहीं करेगा जहाँ पर उसने धारदार हथियार से हमला किया था। अब आता है 325, यानी कि वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब जहाँ पे वॉलेंटरीली मतलब जानबूझ करके ग्रीवियस हर्ट पहुँचाया जाए, ग्रीवियस हर्ट होता है जिसमें कि चोट ज़्यादा सीवियर नेचर का होता है। अब जो ग्रीवियस हर्ट होता है उसमें अगर हथियार का यूज नहीं हुआ तो 325 के अंडर आता है, जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है। देखो आप यहाँ पे अगर मीन्स जो रहेगा उसमें हथियार यूज किए जा रहे हैं, डेंजरस वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो ऑफेंस नॉन बेलेबल हो जाता है, मतलब कि बेल नहीं मिलती है। और अगर यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट भी कर दिया और यहाँ पे कोई भी डेंजरस वेपन्स का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये बेलेबल ऑफेंस के अंडर जाएगा। और इस तरह से ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने पे 7 साल तक की सजा मिल सकती है। अब आता है 326, यानी कि वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जिसमें कि यूज होता है आपका डेंजरस वेपन। तो अगर आपने डेंजरस वेपन के साथ में किसी को ग्रीवियस हर्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक चाकू से किसी के पेट पर वार कर दिया, मतलब कि नाइफ से स्टैबिंग की, तो उस जगह पर, या फिर इसी तरह से किसी लोहे के रॉड से किसी के सर पे दे मारा, तो उस जगह पर ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगेगा वाइल यूजिंग अ डेंजरस वेपन। तो जहां पर आपकी सजा की सिवियरिटी भी बढ़ जाएगी, ऊपर से ये नॉन बेलेबल हो जाएगा, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग भी हो जाएगा। जिस पार्टी को आपने हर्ट किया, भले ही उससे आपका समझौता हो जाए, मगर आपके इस एक्ट के लिए कोर्ट आपसे समझौता नहीं करेगी, और फिर ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो केस को डिस्पोज करेगी या फिर आपको सजा देगी, और इसमें 10 ईयर से लेकर के लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा मिल सकती है आपको। अब आते हैं IPC के सेक्शन 307 पे, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर। अब अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है वहाँ पर क्या हो जाता है, ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, और इस जगह पर जो सजा होगी वो अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है। इसके बाद देख लेते हैं अगर सेक्शन 308, यानी कि 308, तो इसमें हमारा क्या है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा तो नहीं मिलेगी, क्योंकि 308 बात करता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड,
अब कल्पेबल होमिसाइड का मतलब भी होता है मानव वध करना, बट ये मर्डर से अलग है, और किस तरह से अलग है वो आप मेरे मर्डर वाले वीडियो से रेफरेंस ले सकते हो। और इसमें जो सजा होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि 7 साल तक की सजा होगी। और इन सभी केसेस में आपको फाइन के भी प्रोविजन है। तो आप लोगों ने जाना कि जनरली मारपीट से लेकर के अटेम्प्ट टू मर्डर तक के केसेस में किस तरह की सजा मिलती है, और वो बाय नेचर कॉम्प्रोमाइजिंग होती है या नहीं, वो अवेलेबल होती है या नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में।